हाय, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? आज के ज़माने में जो हमारी लाइफ है उसमें हैक्स का होना बहुत ज़रूरी है, और अगर हैक्स नहीं होते हैं तो हम किसी भी काम को फटाफट नहीं कर पाते हैं, और ना ही कुछ ऐसी चीज़ों का हम रीयूज़ कर सकते हैं उन हैक्स को यूज़ करके, जो हम जो है ना ऐसे ही पड़ी रह जाती हैं चीज़ों और उन्हें हम फेंक देते हैं। तो ये हैक्स जो है ना हमारे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट्स हैं, और इन हैक्स का जो है ना यूज़ कर कर हम अपनी लाइफ को बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। तो कुछ ऐसे हैक्स होते हैं जो फेल हो जाते हैं और हमारे काम नहीं आते हैं, और कुछ हैक्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। तो आज मैं आपके साथ वही हैक्स यूज़ करने वाली हूँ जो मैंने यूज़ किए हैं अपने लिए, और वो बहुत ही जो है ना अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। तो आप भी इस तरीके की हैक्स यूज़ करें और बहुत सारे जो है ना चीज़ों का रीयूज़ करें। और ये हैक्स शायद मेरे अपने खुद के ही हैं, क्योंकि मैंने अपने ही दिमाग से इस तरीके की चीज़ें की हैं और वो चीज़ें फेल नहीं हुई हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि जिस चीज़ में हम फेल हो जाते हैं हम वो आपके साथ शेयर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैं वही चीज़ शेयर करती हूँ जिसमें मैं फेल नहीं होती हूँ। तो आज के वीडियो में आपके साथ यही शेयर करने वाली हूँ कि किचन और होम में हम किस तरीके से हैक यूज़ कर कर हम अपने घर को और भी ऑर्गेनाइज और बहुत ही सुंदर तरीके से मतलब काम कर सकते हैं और बना सकते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल पर अगर नए हो और या आप मेरे वीडियोस देखते हो, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ये बिल्कुल फ्री है और इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और बस आपको बेल आइकन भी प्रेस कर देना है। और बेल आइकन प्रेस कर दोगे तो आपको मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती जाएगी और आप वो वीडियो सबसे पहले देख पाओगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। आज मैंने पहना हुआ है यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा शर्ट, मुझे काफी पसंद है, लेकिन इसकी स्लीव्स देख लीजिए बहुत ही लंबी है, जिसकी वजह से मैं इसको पहन नहीं पाती हूँ, काम करने में प्रॉब्लम आती है। तो मुझे एक आइडिया आया है और ये है बैंगल से मैं इसका हैक करने वाली हूँ, और देखते हैं कि ये वाला हैक आप लोगों को कैसा लगता है। तो सबसे पहले स्लीव्स के ऊपर इन बैंगल्स को चढ़ा लेना है, और जहां तक आपके कफ बने हुए हैं बस वहीं तक आपको चढ़ाना है, और बाकी जो है ना आपको ऊपर की ओर खींचना है स्लीव्स को, और जहां तक आपकी बैंगल जाती है हाथ पे अटक ना जाए वहां तक आपको ले जाना है। तो इस तरीके से आप ना इस अपनी स्लीव्स को रोक पाओगे और बहुत ही लुक वाइज भी अच्छा लगेगा। बैंगल्स यूज कर लीजिए, या कड़े होते हैं या ब्रेसलेट होते हैं उनको भी आप यूज कर सकते हैं। इलास्टिक वाले अगर ब्रेसलेट हैं तो वो बहुत ही ज्यादा देर तक रुक सकते हैं, तो 3 से 4 घंटे आराम से ये रुक जाता है। तो ये हैक बहुत ही अच्छा है, आप ट्राई कर सकते हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए दूसरे हैक की तरफ चलते हैं। मेरे पास है ये कुशन, और अक्सर होता क्या है कि हम कुशन कवर्स हमारे पास लिमिटेड होते हैं, 1 जोड़ी 2 जोड़ी इस तरीके से होते हैं, मतलब हम बार बार कुछ चेंज चाहते हैं अपने घर को सजाने के लिए। तो मेरे पास है ये पिलो कवर, तो हम इस पिलो कवर से बनाएंगे, ये बहुत ही सस्ता पिलो कवर है, और इससे हम बनाएंगे एक कुशन कवर। तो पिलो कवर से भी हम कुशन कवर बना सकते हैं बिना काटे बिना सिले, तो इसमें बहुत कुछ भी हमें सिलना नहीं है। क्या इस तरह बनाना है? तो नहीं, मैं मजाक कर रही थी। इस तरीके से आपको
कुशन को फोल्ड, कुशन के ऊपर से फोल्ड करना है और बीच में लाके आपको साइड में सिर्फ दो टाके देने हैं, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, और आपका कुशन कवर रेडी हो गया और बहुत ही अच्छा और क्लासी लगेगा। कोई नहीं जान पाएगा कि आपने कुशन कवर नहीं पिलो कवर का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से अपने घर का लुक भी चेंज कर सकते हैं आप। बहुत सारे हमारे पास बेडशीट होती हैं, बहुत सारे हमारे पास पिलो कवर्स होते हैं, पुराने नए आप उनको मिक्स मैच करके बहुत सारे सारे कुशंस को अलग अलग पिलो कवर पहना दीजिए और आपका जो है ना लुक ही चेंज हो जाएगा घर का। तो इस तरीके से ये हैक भी आप आजमा सकते हो, बिल्कुल भी ओपन नहीं होता है और कोई नहीं पहचान पाएगा कि ये एक हैक द्वारा बनाया गया है। तो कैसा लगा, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो ये है मेरे पास बिल्कुल पिचके हुए कुशंस, जो सॉफ्ट वाले कुशन होते हैं हम ले तो आते हैं लेकिन ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। अब ये इतने पतले हो गए हैं कि बिल्कुल भी यूज होने लायक नहीं है। इनका हमें क्या करना चाहिए, तो मैं इनको चारों तरफ से ना पहले तो लॉक कर लूंगी, इनको मैं अच्छे से टाके लगा लूंगी हर कॉर्नर पे, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या करना है आगे। तो इस तरह से आप जो है ना कर लीजिए और अब जो है ना हम एक बोरी की जैसे हम बोरी सिलते हैं ना, जिग जैग दोनों को लेकर हम यहाँ पर मोटे धागे से सिलाई करेंगे और ये देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा और बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि हमने दो कुशन कवर्स को मिलाकर एक बनाया है। कोई भी पहचान नहीं पाएगा अगर आप इस तरीके से बनाते हो। अभी भी आप देख लो, पास से मैं दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये दो कुशन कवर जोड़कर एक मोटा सा कुशन हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो इधर उधर गिर रहे फेंके जा रहे थे हम इसको और ये देखिए हमारा बनकर रेडी हो गया है एक सॉफ्ट सा कुशन। तो कैसा लगा ये हैक, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और इसके कॉर्नर पे आप बहुत सारी कलाकारियां कर सकते हो। और यहाँ पर मैं तीसरा हैक आपके साथ, तीसरा नहीं ये चौथा हैक है और आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं एक डोरमैट, वो भी एक ये टॉवल से। तो ये पुरानी टॉवल है, आपने देख लिया इसमें छेद भी हो चुके हैं। अब इनको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे ताकि जो जहाँ पर छेद है ना वो छेद भी ऊपर ना आए और ये बिल्कुल यूजफुल बन जाए। तो इसको मैं इस तरीके से थोड़ा सा टर्न करते हुए उल्टे साइड में इसको फोल्ड कर रही हूँ और ये बीच में ना चेक वाला डिजाइन आ रहा है, इससे इसकी खूबसूरती भी बढ़ गई है और ये बहुत सुंदर लग रहा है। तो मैं हाथ से ही इसको सिलूंगी और बहुत ही सुंदर लगने वाला है ये। और इसमें सिलाइयाँ ना दूर से दिखाई भी नहीं देंगी और आप चाहो तो इसको मशीन से भी सिल सकते हो या इसको ग्लू गन से भी चिपका सकते हो, पर मैं कहूंगी कि आप इसको सिल के ही बनाओ ताकि ये काफी टाइम तक चल सके और आप इसको मशीन वॉश भी कर सकते हो और इजी वॉश हो सकता है ये। इस तरीके का डोरमैट है, सॉफ्ट रहेगा और बहुत ज्यादा पानी को ऑब्जर्व करता है और बहुत ज्यादा डस्ट को भी ऑब्जर्व करता है ये। तो इस तरीके से ना हम इस पे गांठ भी ऊपर नहीं आएगी ताकि हम दूसरी तरफ से इस्तेमाल कर सकें। तो इस तरीके से कुछ मैंने सिला है, आप मेरे सिलने का वे देख सकते हैं। तो उसी तरीके से आप भी सिल लेंगे तो आपकी भी जो ना गांठ वगैरह ऊपर नहीं आएगी तो भद्दा भी नहीं लगेगा। तो ये हमारा बनकर रेडी हो गई है डोरमैट। तो मुझे तो ये बहुत पसंद आई है क्योंकि बीच बीच में भी मैंने दो टाके लगा दिए हैं ताकि जो चेक वाला पार्ट है ना वो ओपन ना हो और पैर वगैरह किसी का ना फंसे, बच्चों वगैरह के हमारे पैर फंस सकते हैं, इसलिए मैंने उसको सिल दिया है। तो इस तरीके से हमारी बनकर रेडी हो गई है एक बढ़िया सी डोरमैट। अब इसको हम फ्लोर पर डाल कर देखते हैं कि ये कैसी लगती है। तो मुझे तो बहुत सही लग रही है, बिल्कुल भी नहीं लग रही है कि ये हमने घर में बनाई है और ऐसा लग रहा है हम परचेस करके आए हैं। तो आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग बहुत प्यार देते हो मेरे वीडियोस को, थैंक यू सो मच। आप लोगों का मैं हमेशा शुक्रिया अदा करती हूँ।
और आपको इसी तरीके की वीडियोस अगर देखनी है तो आप कमेंट करके बताते जाइए और मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आती रहूंगी। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।